Let's do question number 7th of exercise 7a, that is lines and angle. Question number 7th is find the angle which is 4 times its complement. Friends, हमें निकालना है वो एंगल जो कि 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट का. तो लेट ये भी दो मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स. तो सेकेंड एंगल क्या हुआ हमारा 4x, 4 टाइम्स ऑफ द एंगल. इन दोनों का सम वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट है 90 डिग्री है. तो ये कितना आ गया 5x इक्वल्स टू 90. एक्स कितना आ गया 90 upon 5, दैट इज 5 ones are 5, 5 8s are 40. तो फर्स्ट एंगल कितना हुआ हमारा, फर्स्ट एंगल इज 18 डिग्री. एंड सेकेंड एंगल कितना हुआ 4 times of 18, दैट इज 32, 3 carry 72 degree का. राइट फ्रेंड्स, या तो ऐसे कर लीजिए, हमें 4 times वाला निकालना है क्योंकि वो कह रहा है विच इज 4 times इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 4 times. या आप लेट फर्स्ट एंगल इज एक्स है तो सेकेंड एंगल क्या होगा, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 minus x हो गया. अब वो क्या कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज, एंगल निकालो विच इज 4 times ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 times होगा. तो ये देखिए 4 9s are 36 minus 4x, तो ये इधर आ गया x plus 4x equals to 360, 5x equals to 360, x क्या निकल गया 360 upon 5. तो कितना आ गया 5 7s are 35, 5 2s are 10. तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया 72 degree एंड सेकेंड एंगल कैसा हो गया 90 minus 72, that is 18 degree answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.